प्रदेश में रद्द हुए छात्र संघ चुनावों को लेकर आज ग्रामीण छात्र संगठन जिलाध्यक्ष लोकेश मीणा के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय बूंदी के मुख्य गेट पर आज शाम 6 बजे से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया, जिसमें जोनेश मीणा, सुशील साहू, प्रिंस शर्मा ने मांग पूरी नहीं होने तक आमरण अनशन रखने का निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग रखी। इस दौरान पूर्व छात्र संघ प्रत्याशी विकास मोरजल, अनिल नंदपुरा, सत्य मीणा, दीपक परिहार, आशु मीणा, अर्जुन यशवंत आदि छात्र मौजूद रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी इस साल छात्र संघ चुनाव को लिंग 2 कमेटी का हवाला देकर चुनाव जो रद्द कर दिए हैं, उस पर सभी छात्रों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव को करवाया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी तो सरकार से यही मांग है और सभी छात्रों की यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव इस बार होना चाहिए, जरूरी है। यही पहली सीढ़ी होती है जहां से छात्र राजनीति में आदमी आगे बढ़ता है और सभी छात्रों के हितों की बात है। तो इस पर राज्य सरकार को एक बार दोबारा सोचना चाहिए कि चुनाव को करवाना आवश्यक है। क्या नाम है आपका? जोनेश मीणा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बार, क्यों आमरण अनशन कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आधी रात को छात्र हित में जो फैसला लिया है वो कतई गलत है। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि उन्होंने अपने छात्र राजनीति से की थी राजनीति की शुरुआत, और दूसरी तरफ वो छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हम सभी हमारे साथी छात्र नेता आमरण अनशन पर बैठे हैं और जहाँ तक हमारे साथ अन्याय नहीं हो जाता वहाँ तक हम बैठे रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र संघ चुनाव चालू करो, चालू करो, चालू करो। छात्र संघ चुनाव चालू करो, चालू करो, चालू करो। जिंदाबाद ग्रामीण एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।